एक सवाल अक्सर साडे सामने आउंदा कि कोई प्रोटीन पाउडर क्रिएटिन जां होर सप्लीमेंट है जे उस दी एक्सपायरी डेट लंघ जावे तां की अजिहे सप्लीमेंट नूं इस्तेमाल करना चाहीदा जां नहीं, कि अजिहे सप्लीमेंट दा कोई फायदा जां बिल्कुल फायदा नहीं अते जां अजिहे सप्लीमेंट नूं खाण दा नुकसान। इसे विषय ते अज विस्थार नाल चर्चा करते हैं। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह मल्ली, हैल्थ गुरु। जिस भी दोस्त ने अपना इच्छाधारी फिटनेस चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया वो हुणे सबसक्राइब करो अते घंटी वाला बटन दबा के रखो। वीडियो पसंद आई, ज्ञानवर्धक लगी, तुहानू कोई फायदा किया वीडियो ने, तो बाद विच वीडियो नू भी पूरी वेख के लाइक जरूर कर देना। जिथों तक गल एक्सपायर होए एक्सपायरी डेट लंघे हुए सप्लीमेंट की है, इस दा जो उत्तर है वह हाँ या ना विच नहीं दिता जा सकता कि अजिहे सप्लीमेंट नूं तुसी खा सकते हो जां नहीं, जां अजिहे सप्लीमेंट दा कोई फायदा बाकी रहिंदा जां नुकसान हुंदा। अजिहा क्यों? क्योंकि जिवें कि विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी जिहे सप्लीमेंट है बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसे तरह फैश ऑयल प्रोबायोटिक सप्लीमेंट है, तो अजिहे जो सप्लीमेंट है जे इन्हां नूं थोड़ी बहुत हीट लग जाती है, धुप लग जाती है, जां थोड़ी सलाब वाली नमी वाली जगह विच इह ज़्यादा देर लई पए रहन अजिहे सप्लीमेंट, तां इह बन तों कुछ घंटे बाद भी खराब होने शुरू हो सकते। इस लई विटामिन दे मामले च जो एक्सपायरी डेट है कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखती। इसे तरह जो मिनरल हुंदे आ, कई तरह के जो मिनरल आ, वह बहुत लम्मा समा खराब नहीं हुंदे, तां अजिही स्थिति विच भी असीं एक्सपायरी डेट उपर कोई भरोसा नहीं कर सकते। तुहानू जाण के थोड़ी हैरानी होगी कि अजिहे विटामिन अते मिनरल वाले जो सप्लीमेंट है उन्हां विच जो कंपनियां है वो अजिहे विटामिन जां मिनरल 40-40% ज़्यादा पाउंदियां, क्योंकि उन्हां नूं पता हुंदा अजिहे जो सप्लीमेंट है बहुत जल्दी खराब हो जाणगे। इसे तरह जो फैश ऑयल है उस नूं थोड़ी भी हीट लग गई, थोड़ी भी धुप लग गई, तां उह तुरंत खराब हो जाता, चाहे वो कुछ दिन पुराना हो। जे उसनू सही जगह उपर स्टोर किया गया तो वह 6-6 महीने भी हो सकता सही स्थिति में रहे। यही स्थिति प्रोबायोटिक की है, क्योंकि उस विच एक जिउंदे जीव हुंदे, उसनू भी जे थोड़ी जिही सख्त स्थिति मिल जाती है तो वह तुरंत खराब हो जाते हैं। हुण गल आउंदी है क्रिएटिन की, तो क्रिएटिन विच किसी भी तरह का फ्लेवर नहीं हुंदा, किसी भी तरह का इसका स्वाद कुदरती तौर पर भी नहीं हुंदा, ना इसका कोई कलर हुंदा, ना इसकी कोई स्मैल हुंदी है। कि क्रिएटिन बहुत लम्मा समा लगभग साल भी जे खुली पई रहिंदी है, जम जाती है, तो उस तो बाद भी असीं उसनूं जे खाने हैं तो वह पूरा असर करती है, कोई नुकसान नहीं करती। हाँ, जो पहले मैं सप्लीमेंट दसे है वह भी जे उन्हां दी एक्सपायरी डेट लंघ गई है तो कोई नुकसान नहीं करनगे, हाँ उन्हां दा फायदा नहीं होगा। हुण गल आउंदी है प्रोटीन पाउडर की, कि प्रोटीन पाउडर नूं असीं डेट लंघी तो तरीक लंघी तो उस उपर लिखी गई तरीक लंघी तो बाद इस्तेमाल कर सकते हाँ जां नहीं, तां इस विच भी मामला थोड़ा गुंझलदार है, तुहानूं थोड़ा सोचना पैणा जो मैं अज्ज गल्लां दस्सांगा तुहानूं, शायद तुसीं पहली वारी ध्यान च आउण तुहाडे अजिहियां गल्लां। तां जिथों तक गल रॉ वे प्रोटीन की है, तां तुसीं देखोगे कि उह नमी वाली रुत्त विच कुझ महीने ही कढ सकदी है, उस विच जीवन पैदा हो जाता, छोटे छोटे जीव पैदा हो जाते। पर जे तुसी दूसरा वे प्रोटीन जो आम कंपनियां डब्बियां विच पा के फ्लेवर वाला बेचदियां, जिस विच के प्रिजर्वेटिव पाए हुंदे आ, तां उह कई कई मामलों में 10-10 साल तक भी खराब नहीं हुंदे। एक बार आर्नोल्ड दे समकाली बॉडी बिल्डर जैरी ब्रेनम ने दस्या सी कि उन्हां नूं कुछ प्रोटीन पाउडर दे डब्बे गिफ्ट मिले अते ओ उन्हां डब्बियां नूं रख के भुल गए, पर उन्हां ने ओ डब्बे अजिही जगह रखे जिथे हनेरा सी, तापमान स्टेबल सी, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा, अते नमी भी नहीं जाती सी उत्थे। तां 10 साल बाद उन्हां दे ओ एकदम सामने आए सन प्रोटीन पाउडर, अते उन्हां ने सोचा सी कि चलो सिट्टन तो पहला मैं खोल के देखा, तां खोलन तो बाद भी ओ प्रोटीन पाउडर हू बहू नवे प्रोटीन पाउडर की तरह ही खुशबू दे रहे सन, स्वाद दे रहे सन, अते उन्होंने उन्हां प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल किया सी। तां इस तरह जो फ्लेवर वाले प्रिजर्वेटिव पाए हुए जो सप्लीमेंट है प्रोटीन पाउडर है वो कई दहाके भी सुरक्षित रह सकते हैं, पर
पर बड़ी ध्यान नाल सुनने वाली गल कि जे तुसीं गड्डी दे जिम जाते हो उदाहरण के तौर पर अते तुसीं अपना वो प्रोटीन पाउडर का जो डब्बा है उसनू अपनी गड्डी विच छड्ड दिंदे हो डिग्गी विच छड्ड दिंदे हो अते उत्थे तेज धुप है तां तुहाडा ये प्रोटीन पाउडर कुछ दिनों विच भी बेअसर हो सकता खराब हो सकता। उम्मीद है मेरे वल्लों दित्ता ये ज्ञान तुहाडे लई लाहेवंद होवेगा। अजिहा है तो वीडियो हुणे लाइक कर दे। धन्यवाद।